रुचिता, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती। कोई बात नहीं भाभी, आप सब लोग मेरे साथ मन से हैं ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अब सिर्फ दो कमरे बचे हैं, एक मेरा और एक महन जी का। वो तो ठीक है, पर तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने तो ऐसी परीक्षा न कभी देखी है न कभी सुनी है। महंत जी, क्या मैंने ये परीक्षा पास कर ली? हाँ। अगर कोई दोष हुआ भी तो अंगूठी पहना देंगे या पूजा करवा लेंगे। भाभी, मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप मेरी बड़ी बहन है इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये महंत जी कुछ ठीक से नहीं लग रहे। मतलब मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये महंत जी पापा जी और दादी जी से पैसे तो नहीं लूट रहे। मतलब मुझे ये परीक्षाएं देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निहार जी के लिए मैं वैसे भी कुछ भी कर सकती हूँ। बस पापा जी और दादी जी इस अंधविश्वास में धस न जाए। कहाँ चली गई है रुचिता? कहीं आराम करने तो नहीं बैठ गई? वैसे अच्छा ही है, थक कर बैठ जाए और परीक्षा पूरी ना कर पाए, फिर तमाशा होगा देखने लायक। रुचिता, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं प्रतीक जी से बात करूं? नहीं भाभी, जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं महन जी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। फिलहाल मैं ये पूजा पूरी कर लेती हूँ। ठीक है, तुम ये परिक्रमा पूरी करो, उसके बाद हम मिलके सोचते हैं। रुचिता, बेटा पहले अपने पति के तकलीफों के बारे में सोच लो, उसके बाद कुछ और सोचना। वैसे तुम दोनों क्या करने के बारे में सोच रही थी? स्कूल प्रोजेक्ट, वो प्रियो का स्कूल प्रोजेक्ट, उसके बारे में ही डिस्कस करना था, तो बस वही बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा आ क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, वो घुटने चल गया ना, तो थोड़ा दर्द हो रहा है। महंत जी लगता है रूम में नहीं है। कोई बात नहीं, ये परीक्षा पूरी कर लेती हूँ। अरे मेरी जान, मैं तो परेशान हो गया हूँ। इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। दो मिनट में टास्क खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं? कोशिश तो कर रहा हूँ यार, तुम टेंशन मत लो, बना ही लूंगा मैं। क्या बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये भी गलत हो गया। मैं हल्दी लगे चावलों के साथ आधा स्वास्थ्य बनाऊंगा, बाकी का आधा स्वास्थ्य तुम उन सिंदूर लगे चावलों से बनाओगी।
महंत जी स्वास्तिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें स्वास्तिक बनाना भी नहीं आता। फिर गायब हो गई है रुचिता। अच्छा खासा मैं उसका पीछा कर रही थी लेकिन प्रिया ने टोक दिया। वैसे ना ही मिले तो अच्छा है, परिक्रमा का समय खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर समय से आएगी नहीं तो परीक्षा पूरी नहीं होगी। क्या करूं, इनसे सीधे पूछ लूं क्या? परिक्रमा का भी समय हो रहा है। अरे ये झोला कैसे गिरा? आ जाने मन, ट्राई तो कर रहा हूँ। ये महंत जी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अब नहीं हो रहा है काम तो क्या? अरे कुछ नहीं, मेरा सामान बिखरा है, वही ठीक कर रहा हूँ। अरे जान, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ये टैटू कहीं तो देखा है पर कहाँ? और ये सर्कस का सामान पंडित जी के बैग में क्या कर रहे हैं? महंत जी, आप उतरी? दादी जी नीचे बुला रही थी, परिक्रमा खत्म होने वाली है ना, तो उससे पहले अगर आपको कोई पूजा करनी है तो कर लीजिए। अवश्य, अभी चलता हूँ।